गाइस, इस वीडियो में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन AIPMT 2006 से आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। और सेकेंड क्वेश्चन जो कि AIPMT 2006 में ही आया था। द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, एस बाई कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी AIPMT 2006 का ही है। बोमेंस ग्लैंड्स आर फाउंड इन, इसका आंसर है ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम, ऑप्शन नंबर वन। ये क्वेश्चन AIPMT 2007 का है। वोमेन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन इन दी, तो इसका आंसर वही है थर्ड वाला, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम ऑफ आवर नोज। ये क्वेश्चन AIPMT 2008 का है। वॉट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स? तो आप क्वेश्चन क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिजुअल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन AIPMT प्री 2010 का है। लिस्टेड बिलो आर फोर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ए टू टू एन, फोर जम्बल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। तो ये सब आप पढ़ लीजिए, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और सबके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसको पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज कर लेना और इसको पढ़ने के बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम, ये इसके ऑप्शन हैं। ये पूरा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। ये क्वेश्चन भी AIPMT 2010 में आया था। व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। ये क्वेश्चन AIPMT प्री 2011 का है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर वन, एपिग्लॉटिस। ये क्वेश्चन भी AIPMT प्री 2011 का है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ये इसके ऑप्शन है, इसको आप पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, ए एल्वेलर कैपेसिटी, एल्वेलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये क्वेश्चन भी 2011 का है AIPMT का। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यूज, दिस O2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। ये AIPMT मेंस 2011 का है। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन टू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। AIPMT प्री 2012 का ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू आर एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बिगेम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हैव मोर RBC एंड देयर हेमोग्लोबिन इन अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। ये क्वेश्चन NEET UG 2013 का है। ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, जो सी है, सी एल्वियोली है और एल्वियोली के बारे में बताया गया, थिन वॉल्ड वैस्कुलर पैक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, एस बाई कार्बोनेट आयन।